हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पेंडलम रिव्यू। कल हमने यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 की आंसर की डिस्कस की थी एंड इस वीडियो में हम कंप्लीट पेपर की एनालिसिस डिस्कस करेंगे, कैसा पेपर था, कहां कहां से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे और साथ ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर की। जो पेपर था इस बार का वो ईजी टू मॉडरेट लेवल का था। कुछ क्वेश्चंस इजी थे, जो करंट अफेयर्स से थे डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, इजी थे। वहीं जो हिस्ट्री से क्वेश्चन थे, मिडाइवल हिस्ट्री से क्वेश्चन थे, वो कहीं ना कहीं थोड़े टिपिकल थे। ऑल दो वो फैक्चुअल थे बट थोड़े डिफिकल्ट थे, क्योंकि उस तरह की चीज़ें यूजुअली बच्चे अवॉइड करते हैं पढ़ना। जैसे टर्मिनोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चन थे, जो पिछले कुछ पेपर्स में देखा जा रहा है कि टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पर्टिकुलर डायनेस्टी के टाइम पर या पर्टिकुलर ड्यूरेशन में ये कोई टर्म यूज़ की जाती थी, इसका मतलब क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस देखते हैं और हम इसमें सब्जेक्ट वाइज देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। पेपर टू तो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है एंड इस बार का जो पेपर टू था वो उसका लेवल भी ठीक ठाक था। ईजी नहीं कहेंगे, मॉडरेट लेवल ही कहेंगे। और पेपर टू में जैसे कि कुछ क्वेश्चंस हिंदी के थे, इंग्लिश के क्वेश्चन थे एंड बाकी क्वांट और रीजनिंग से क्वेश्चन थे एंड साथ ही प्रोफेशनल कम्युनिकेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन थे, जो कि अगर आप नहीं भी पढ़ा है, अगर आप थोड़ा सोचेंगे तो आप उनको इजीली आंसर कर सकते थे। चलिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं पेपर वन की। पेपर वन की हम लोग एनालिसिस करते हैं क्योंकि उसी के बेसिस पे आपकी जो कट ऑफ है वो फाइनल होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल साइंस से कितने क्वेश्चन थे। तो जनरल साइंस से इस बार कंपैरेटिवली कम क्वेश्चन थे, 13 क्वेश्चन थे जनरल साइंस से। देन नेक्स्ट हम बात करें एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, तो एनवायरनमेंट इकोलॉजी से ठीक ठाक क्वेश्चन थे, 13 क्वेश्चन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से थे। नेक्स्ट करंट अफेयर्स से अच्छे क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से थे, जिसमें हमने देखा कि जून जुलाई और अगस्त से रिलेटेड काफ़ी करंट अफेयर्स डायरेक्टली पूछे गए हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, यहाँ पर जैसे पॉवर्टी जैसे डेवलपमेंट जैसे जो भी क्वेश्चन थे वो सभी हमने इसमें कवर किए हैं। तो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट से टोटल 10 क्वेश्चंस थे। देन गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इनिशिएटिव्स, जो देखा जाता है हमेशा पीसीएस के पेपर में कि गवर्नमेंट स्कीम्स पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इनिशिएटिव से 11 क्वेश्चन थे। एंड देन यूपी स्पेशल की हम बात करें तो जो लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें यूपी स्पेशल से हार्डली 1 or 2 क्वेश्चंस थे, लेकिन वापस अपने पैटर्न पे आते हुए इस बार पीसीएस ने, यूपी पीसीएस ने अपना जो है पैटर्न रिपीट किया है। और अगर मैं बात करूँ कि स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स फ्रॉम यूपी सेक्शन, तो उसमें से 11 क्वेश्चन जो है यहाँ पर, नहीं 9 क्वेश्चन उसमें जो है पूछे गए हैं। देन इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसमें समिट और इस तरह के क्वेश्चन थे, वहाँ से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन पॉलिटी की हम बात करें तो पॉलिटी से फिर से काफ़ी अच्छा वेटेज, पॉलिटी तो फेवरेट है, पॉलिटी से हर बारी देखने को मिला है कि 20 to 25 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो इस बार 20 क्वेश्चंस पॉलिटी से पूछे गए हैं। और पॉलिटी से जो क्वेश्चंस थे, अगर पैटर्न देखोगे तो आर्टिकल्स पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो आर्टिकल्स से रिलेटेड थे कि कौन सा आर्टिकल किस पर्टिकुलर, मतलब उसमें अंदर प्रोविजन क्या है, उस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट हम बात करें ज्योग्राफी की, तो इंडियन ज्योग्राफी से और वर्ल्ड ज्योग्राफी से दोनों से मिलाकर 18 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ज्योग्राफी से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन काफ़ी थे कि आपको दो लिस्टिंग दी हुई हैं और आपको मैच करना है। नेक्स्ट हम देखें एंशियंट हिस्ट्री से 7 क्वेश्चन थे, इसमें आर्ट एंड कल्चर का जो एक क्वेश्चन था वो भी मैंने ले लिया है। देन मिडाइवल हिस्ट्री की हम बात करें तो वहाँ से 8 क्वेश्चंस थे एंड मॉडर्न हिस्ट्री की हम बात करें तो वहाँ से 9 क्वेश्चन थे। तो टोटल जो है 24 क्वेश्चंस हिस्ट्री से अकेले थे। देन रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स को मैंने अलग से कैटेगराइज किया है क्योंकि 4 क्वेश्चन रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स से ही थे, जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, इस तरह के इंडेक्स शामिल थे। देन स्पोर्ट्स सेक्शन से 2 क्वेश्चन थे एंड दैट टू फ्रॉम करंट अफेयर्स सेक्शन, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे। तो टोटल इस तरह से 150 क्वेश्चन जो है डिस्ट्रीब्यूटेड थे पेपर में, ठीक है। तो ओवरऑल जो पेपर का लेवल था वो ईजी टू मॉडरेट था, और क्योंकि वैकेंसीज़ बहुत कम हैं इस बार भी, तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो आपका फेयर अटेम्प्ट होना चाहिए वो आपका
100+ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एकदम करेक्ट होने चाहिए अपार्ट फ्रॉम नेगेटिव मार्किंग, तब जाके आप कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे क्योंकि कट ऑफ हाई जाएगी। तो अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा वो 120 टू 130 होगा, क्योंकि सीट्स कम है, पेपर का लेवल भी उतना टफ नहीं था, मॉडरेट लेवल था, तो इतना कट ऑफ जा सकता है। देन ओबीसी कैटेगरी के लिए भी सेम रहता है 120 टू 130। फॉर एससी कैटेगरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ विल बी 105 टू 110। फॉर एसटी कैटेगरी इट विल बी 80 टू 90। एंड फॉर फीमेल कैंडिडेट्स इट विल बी 110 टू 120। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके बताइए आपका स्कोर कितना बन रहा है, और जिन जिन के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, जो 120 प्लस स्कोर कर रहे हैं, उनके चांसेस हैं तो वो अपने मेंस की तैयारी करें अच्छे से। आप हमारी यूपी पीसीएस मेंस की जो टेस्ट सीरीज़ है आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, और इसी तरह से अच्छे से तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज़। थैंक यू सो मच।